गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए प्रारंभिक भारत का परिचय से चैप्टर नंबर 15 और 16 है। तो यहां पर आज हम दो चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है हमें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहां पर आप लोग रूरल अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। यहां पर हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज चल रही है। ठीक है, तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। ऐसे यहां पर देखिए आपका चैप्टर नंबर 15 है आपका जनपद राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य। जनपद राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य जो है इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि ईसा पूर्व अब छठी सदी हमारी स्टार्ट हो गई, यानी कि हमारा लौह युग स्टार्ट हो गया है। तो मगध साम्राज्य के बारे में आप जैसे पूर्ववर्ती चैप्टरों में भी पढ़ चुके हैं कि मगध साम्राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों बना। सबसे ज्यादा मगध साम्राज्य के शक्तिशाली बनने का रीजन ये था कि वहां पर उसके नियर बाय जो थी लोहे की, यानी कि लोहे के अयस्कों की खाने थी, तो वहां से वो लोग लोहे का अयस्क प्राप्त करके उसका निष्कर्षण कर करके लोहे के उच्चतम कोट के हथियार बना सके, जिससे उनका एक विशाल साम्राज्य खड़ा हो सका, एक विशाल सेना खड़ी हो सकी। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी सारे जियोग्राफिकल रीजन थे जिसकी वजह से मगध साम्राज्य और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना। ठीक है, तो वो सब बातें हम इस चैप्टर में जानेंगे। देखिए ये यहां पर ये समझ लीजिए, ये मगध साम्राज्य जो है वो बुद्ध के समकालीन साम्राज्य है। ठीक है, यानी बुद्ध जब गौतम बुद्ध हुए थे उसी के समकालीन ये मगध साम्राज्य भी है। तो यहां पर पहला पॉइंट अब आप नोट करेंगे, ईसा पूर्व छठी सदी से पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग एवं बड़े जनपदों का उदय हुआ पहला पॉइंट यही है कि ईसा पूर्व छठी सदी से पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग एवं बड़े जनपदों का उदय हुआ। ठीक है, अब क्या था कि यहां पर अब लोहे का इस्तेमाल होने लगा, इसकी वजह से यहां पर योद्धा वर्ग की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई समाज में, यानी योद्धा वर्ग की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। इसके अलावा जो खेती करने वाले किसान थे, पहले क्या था उनके जो हल वगैरह थे, हल के फाल वगैरह थे, वो सब लकड़ी के बनते थे, अब हल के फाल वगैरह में जो है लोहे का इस्तेमाल होने लगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कृषि जो उनकी है वो भी आसान हो गई। कृषि में अब वो ज्यादा क्षमता में जो है जमीन जोत सकते थे, ज्यादा गहरी जमीन जोत सकते थे। ठीक है, और इसके अलावा देखिए लोहे का प्रयोग से क्या हुआ, जो वन टाइप थे, जंगल टाइप थे, उन्हें भी उन्होंने लोहे की हथियारों से साफ कर लिया। तो अब भूमि जो है खेती के लिए भी भूमि बढ़ गई, तो इससे पैदावार भी बढ़ी। पैदावार बढ़ने से वहां पर जो राजा थे, राजा जो है अब सेना भी रखने लगे, क्योंकि सेना के लिए अब खाना खर्चा सब मिल जाता था, क्योंकि अनाज ही इतना ज्यादा हो रहा है, तो भाई खाना अब कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये सब प्रोसेस चलती रही। इस प्रोसेस से क्या हुआ कि मगध साम्राज्य जो और था और जो और उसके समकालीन और साम्राज्य थे वो सब उभर के सामने आए। ठीक है, मेन चीज थी लोहे का प्रयोग। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर सेकंड पॉइंट नोट करेंगे आप, लोगों का जो लगाव अपने जन या कबीले से था वह पहले अपने गांव घर से हुआ और बाद में अपने जनपद या स्वसंबद्ध भूभाग से हुआ। यानी पहले क्या था, पहले लोगों का लगाव अपने जन या कबीले से था, यानी कि हम इस कबीले के हैं तो हमारा लगाव इसी कबीले से है, फिर अपने अपने गांव यानी गांव और घर यानी गांव के अंदर जो घर है उनसे लगाव हुआ कि भाई हमारा गांव है। ठीक है, फिर धीरे धीरे उनकी जब संख्या बढ़ी हुई तो लोगों का लगाव जो उनका पूरा इलाका था उसे जनपद जो कहलाने लगा उससे बढ़ गया, यानी जनपद के भूभाग से उनका जो है लगाव हो गया। ठीक है, ऐसे करके जन से जनपद की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यही है, लोगों का जो लगाव अपने जन या कबीले से था वह पहले अपने गांव घर से हुआ और बाद में अपने जनपद या स्वसंबद्ध भूभाग से हुआ। अब देखिए थर्ड पॉइंट नोट करेंगे यहां पर आप, देखिए 450 ईसा पूर्व में जो पाणिनि है, जिन्होंने आषाढ़ाय की रचना की, यानी व्याकरण की भी रचना की है पाणिनि ने, तो इन्होंने 40 से ज्यादा जनपदों का उल्लेख किया है, 40 जनपदों का उल्लेख किया है अपने ग्रंथों में। तो थर्ड पॉइंट यही नोट कर लीजिए कि 450 ईसा पूर्व के लगभग पाणिनि ने 40 जनपदों का उल्लेख किया है। देखिए इन्होंने जिन जनपदों का उल्लेख किया है उनमें ये उत्तर भारत में थे और अफगानिस्तान और उसके पड़ोस में मध्य एशिया में भी थे, यानी 40 जनपद जो मिला के इन्होंने उल्लेख किए हैं। जैसे हमारा आपने सुना होगा अखंड भारत, बट आपने सुना होगा बार बार सुना भी होगा अखंड भारत, तो अखंड भारत में हमारा जो पार्ट था वो लगभग अफगानिस्तान में पूरा आ जाता था, यानी पूरा बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था पार्ट, यानी भारतीय उपमहादेश आज केवल भारत तक है। आपका जो और कंट्री देखते हैं, बांग्लादेश वगैरह है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान का पोर्शन है, और ऊपर चले हैं जो आपका तिब्बत वाला, तिब्बत के साइड से जो पोर्शन है वो पूरा हमारा था, यानी काफी बड़ा भाग था वो। ठीक है, तो तीसरे का सब पॉइंट नोट कर लीजिए, ये उत्तर भारत में थे
और अफगानिस्तान तथा उसके पड़ोस में मध्य एशिया में थे। यानी कि ये जो 40 जनपद थे ये इन इन जगहों से संबद्ध थे। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग आपकी जो है महाजनपद, यानी कि अब हम पढ़ेंगे महाजनपद, यानी जनपद से भी बड़े महाजनपद हो गए, तो अब महाजनपदों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए आप लोगों से गुजारिश मैं यहाँ पर करता हूँ, आप लोगों से सभी से, वैसे तो मैंने ज्योग्राफी में पहले ही बोल दिया था, आपको इस चैप्टर का मैप बना लेना, आप यानी कि इस चैप्टर का मैप बना लेना। मैप बना लेंगे तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान शब्दों में आप याद कर लेंगे ये सब, ये कहाँ कहाँ की लोकेशन है, कौन किस तरफ पढ़ रहा है। और दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूँ, ये चैप्टर जो है आपका जो यूपी और बिहार वाले स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीएस यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी एग्जाम हो, तो उनके लिहाज से यहाँ पर जो है स्थानीय आपके क्षेत्रीय हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं इनसे। ठीक है, तो इस चैप्टर पर अच्छा फोकस रखें आप लोग भी, यहाँ पर बिहार और यूपी वाले खास करके। ठीक है, और बाद बाकी यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो यहाँ पर देखिए पाली पुस्तकें जो हुई हैं इनसे हमें ये पता चलता है कि जनपद बढ़कर अब महाजनपद बन गए, यानी कि पाली पुस्तकों में ही हमें सबसे पहले आरंभ में पता चलता है कि अब जनपद जो है वो बढ़कर महाजनपद बन गए। तो पहला पॉइंट यही नोट कर लीजिए कि पाली पुस्तकों से पता चलता है कि जनपद बढ़कर महाजनपद बन गए। देखिए बुद्ध के समय जो है वो 16 बड़े बड़े राज्यपाते हैं जो महाजनपद कहलाते थे, यानी बुद्ध के टाइम पर 16 बड़े महाजनपद थे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट नोट कर लेना आप। अब देखिए ये 16 जो बड़े जनपद थे ये कहां से कहां तक फैले हुए थे ये भी आप जान लीजिए, ये विंध्य के उत्तर में और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। तो आपका सेकंड का सब पॉइंट है, सेकंड का सब पॉइंट आप नोट करेंगे, ये विंध्य के उत्तर में और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। ठीक है, ये सेकंड का सब पॉइंट है। अब देखिए इनमें कौन कौन शामिल था, यानी कि 16 बड़े बड़े महाजनपदों का जिक्र किया गया बुद्ध के समय में, तो इनमें कौन कौन से शामिल थे, तो सेकंड का सेकंड सब पॉइंट है, इनमें मगध, कौशल, वस्त्र और अवंती अधिक शक्तिशाली थे, यानी कि इन्हें बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिखाया है बुद्ध की रचनाओं में, बुद्ध की ग्रंथों में। ठीक है, मगध, कौशल, वस्त्र और अवंती। अब देखिए यहाँ पर हम पूर्व से स्टार्ट करेंगे, पूर्व से शुरू करने पर कौन सा पड़ता है, अब मैं पहले मैप में एक बार को दिखा दे रहा हूँ उसके बाद आप समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये रहा हमारा यानी महाजनपदों का मैप है, इस बुक में ही दिया हुआ है। सबसे पूर्व में आपका देख रहे होंगे, सबसे पूर्व में जो आ रहा है अंग आ रहा है, सबसे पूर्व में जो आ रहा है अंग वाला पोर्शन आ रहा है। ठीक है, अंग वाला आ रहा है, आप देख रहे होंगे अंग वाला पोर्शन है, फिर मगध आ रहा है, इधर वैशाली, वज्जी, ठीक है, मल्ल, ये फिर इधर जो है श्रावस्ती, कपिल वस्तु, अयोध्या, वाराणसी या काशी। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे इनका, इधर हस्तिनापुर, ये हस्तिनापुर वाला पोर्शन आ गया, और नीचे यानी कि अवंती, यानी कि ये पूरा जो क्षेत्र है वो अवंती का है, अवंती साम्राज्य का क्षेत्र है, यानी यहाँ पर दो अवंती जो दो पार्टों में विभक्त था, एक उज्जैन में विभक्त था और दूसरा माहिष्मति में, यानी इसका उत्तर वाला भाग जो था उसकी राजधानी थी उज्जैन और दक्षिण वाली भाग की राजधानी थी इसके माहिष्मति, यानी अवंती साम्राज्य के दो पार्ट थे, एक तो उत्तर वाला यानी नॉर्थ वाला पार्ट और दूसरा साउथ वाला पार्ट, उस उत्तर वाले पार्ट की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिण वाले की थी माहिष्मति। देखिए अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, अभी समझ लेते हैं मैप पे केवल। ठीक है, तो सबसे पूर्व वाला हम यहाँ पर अंग जो है यानी अंग जनपद है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पूर्व वाले जनपद के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड पॉइंट, अब आप नोट करेंगे थर्ड पॉइंट, अब यहाँ पर आप नोट करेंगे ये थर्ड पॉइंट है आपका अंग जनपद, ब्रैकेट में लिख लेना आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले, अंग जनपद के आगे ब्रैकेट में लिख लेना कि अंग जनपद ब्रैकेट में आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले, आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले ब्रैकेट क्लोज की राजधानी चंपा थी, अंग जनपद ब्रैकेट में आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले की राजधानी चंपा थी। ठीक है, जहां ईसा पूर्व 6 सदी से आबादी होने के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि यहां पर हमें ईसा पूर्व 6 सदी से आबादी होने के प्रमाण मिलते हैं। अब देखिए जो बाद में क्या हुआ है कि अंग जनपद को इसके पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज्य ने अपने में मिला लिया है। ठीक है, तो तीसरे का सब पॉइंट अंततोगत्वा, यानी अंततोगत्वा मतलब कि एंड में, बिल्कुल आते आते यानी एंड में आते आते अंग जनपद के पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज्य ने इसे अपने में मिला लिया। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए शॉर्ट में, अंततोगत्वा अंग को मगध ने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर अगला जो आता है मगध, यानी कि जैसे मगध जनपद, जैसे अभी वर्तमान में आधुनिक पटना और गया जिला और एक शाहबाद और पड़ता है बिहार में, तो इसका कुछ भाग आता है। ठीक है, दिखा दे रहा हूं मैप में मगध, ये रहा मगध। ठीक है, ये मगध रहा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये मगध रहा, तो
अगला पॉइंट या चौथा पॉइंट अब आप नोट करेंगे यहां पर, चौथा पॉइंट, मगध जनपद में आधुनिक पटना और गया जिला तथा शाहबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करेंगे। देखिए गंगा के उत्तर में यहां पर एक गंगा के उत्तर में जैसे हम पढ़ते हैं, यानी पांचवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य था। यानी आज तिरहुत प्रमंडल वहां बोला जाता है, वहां पर पहले कभी वज्जियों का राज्य था। ठीक है, तो मैं दिखा दे रहा हूं वज्जियों का, यानी कि ये वज्जी वाला गंगा के उत्तर में, गंगा के उत्तर में इस साइड में ये वज्जी वाला राज्य है। ठीक है, वज्जी वाला। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे कि गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य था। पांचवें का पहला सब पॉइंट, यह आठ जनों का संघ था। पांचवें का सेकंड सब पॉइंट, इनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे जिनकी राजधानी वैशाली थी। इनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे जिनकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठा पॉइंट अब आप नोट करेंगे। देखिए वज्जी के पश्चिम में हमें, यानी वज्जी के पश्चिम में बढ़ने पर, वज्जी के हम पश्चिम में और बढ़ गए, वज्जी के पश्चिम में हमें बढ़ने पर काशी जनपद, यानी काशी जनपद वज्जी के, वज्जी यानी ये वाला हिस्सा है, इसके पश्चिम में ये देखिए ये काशी वाला हिस्सा बढ़ रहा है, यानी वाराणसी वाला पश्चिम में। ठीक है, इसके पश्चिम में इस तरफ ये देख रहे होंगे आप। तो अब आप छठा पॉइंट डालेंगे कि वज्जी के पश्चिम में काशी जनपद था। ठीक है, लिख लेना आप, वज्जी के पश्चिम में काशी जनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। वज्जी के पश्चिम में काशी जनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। अब देखिए बाद के समय में कौशल ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है, यानी कि इसने जो है काशी ने बाद के समय में कौशल की शक्ति के आगे अपना समर्पण कर दिया है। तो छठे पॉइंट का सब पॉइंट लिख लेना आप कि बाद में इसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, यानी कि जो काशी था इसने कौशल की शक्ति के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका जो है कौशल जनपद, कौशल जनपद आता है अब आपका। ठीक है, यानी कि श्रावस्ती वाले हिस्से में पड़ता है कौशल जनपद, यहां पर इस हिस्से में पड़ता है ये। ठीक है, कौशल जनपद, तो चलिए अब देखते हैं कौशल जनपद के बारे में। सातवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश, कौशल जनपद में पूर्वी यूपी पड़ता था, कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता था। ठीक है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सातवां पॉइंट यही है, कौशल जनपद में यूपी, पूर्वी यूपी पड़ता था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी सब सातवें का सब पॉइंट लिख लेना, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों की, जिलों में की जाती है। सीमा हटा देना, जिलों में की जाती है। ठीक है, ये लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सातवें का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे यहां पर। देखिए कौशल में महत्वपूर्ण नगर नगरी अयोध्या भी थी, यानी कौशल में एक महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी यहां पर। तो सातवें का सेकंड सब पॉइंट, कौशल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी जिसका संबंध रामकथा से जोड़ा जाता है, जिसका संबंध रामकथा से जोड़ा जाता है। लेकिन फिर से वही बात यहां पर रिपीट होती है, परंतु उत्खनन से पता चलता है कि 500 ईसा पूर्व के पहले यहां आबादी नाम मात्र की थी। यानी कि यहां पर फिर से वही बात रिपीट हुई है कि यहां पर कौशल जो जनपद है, यानी कौशल जनपद के अंतर्गत अयोध्या भी आता था, लेकिन अयोध्या में 500 ईसा पूर्व से पहले के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते, आबादी का प्रमाण ही नहीं मिलता है। ठीक है, जबकि जो रामायण बोलता है, रामायण वही बोलता है कि आज से 5000 साल पुराने वहां पर सभ्यता, वहां पर राम का राज हुआ करता था, जबकि वहां पर लोग ही नहीं थे वहां पर। ठीक है, तो सातवें का सेकंड सब पॉइंट ये है कि कौशल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी जिसका संबंध रामकथा से जोड़ा जाता है, परंतु उत्खनन से पता चलता है कि 500 ईसा पूर्व के पहले यहां आबादी नाम मात्र की थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सातवें का थर्ड सब पॉइंट है, सातवें का थर्ड सब पॉइंट है, थर्ड सब पॉइंट ये वाला है। देखिए कौशल में शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज्य भी शामिल था, कौशल में शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज्य भी शामिल था। अब देखिए ब्रैकेट में इसके आगे लिख लेना, इसी में थर्ड सब पॉइंट में, कि कपिल वस्तु राजधानी की पहचान बस्ती जिले के पिपरवा स्थान से की गई है। ब्रैकेट में लिख लेना इसी में थर्ड सब पॉइंट में, कि कपिल वस्तु की पहचान बस्ती जिले के पिपरवा स्थान से की गई है। ठीक है, अब देखिए चौथा सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे इसी में, सातवें का चौथा सब पॉइंट है। देखिए शाक्यों की दूसरी राजधानी पिपरवा से 15 किलोमीटर दूर नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर थी, यानी पहली राजधानी तो आपकी
यहां पर आपने देख ली लुम्बिनी यानी जो कपिल वस्तु, ठीक है, यानी कपिल वस्तु हो गई पहली राजधानी। अब दूसरी राजधानी जो है वो पेपरवाहक जो है से 15 किलोमीटर दूर नेपाल में लुम्बिनी पड़ता है, तो वो दूसरी राजधानी बना था। ठीक है, तो चौथा पॉइंट नोट कर लेना, साक्यों की दूसरी राजधानी पिपरहवा से 15 किलोमीटर दूर नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नोट करेंगे, आठवां पॉइंट, देखिए कौशल के पड़ोस में मल्लों का गढ़ राज्य था, मल्लगढ़ राज्य और था यहां पर। कौशल के पड़ोस में, आठवां पॉइंट है, कौशल के पड़ोस में मल्लों का गढ़ राज्य था, इसकी सीमा वज्जी राज्य की उत्तरी सीमा से जुड़ी थी। इसकी सीमा वज्जी राज्य की उत्तरी सीमा से जुड़ी थी। आठवें का सब पॉइंट है, देखिए मल्लों की राजधानी जो थी कुशीनारा, जिसे कुशीनगर भी बोलते हैं, कुशीनारा थी जहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी। यानी कि फिर से रिपीट कर रहा हूं, मल्लों की राजधानी कुशीनारा, कुशीनगर में ब्रैकेट में लिख लेना देवरिया उत्तर प्रदेश, यानी आपको आभास हो जाएगा कि पड़ता कहां है, देवरिया यूपी, ब्रैकेट में लिख लेना देवरिया यूपी। ठीक है, देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये कुशीनारा या कुशीनगर। तो आठवां सब पॉइंट, मल्लों की राजधानी कुशीनारा ब्रैकेट में देवरिया उत्तर प्रदेश में थी, जो जहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी। देखिए अब आपका अगला जो जनपद आता है वो आता है वस्त्र जनपद। देखिए वस्त्र जनपद जो था ये यमुना के तट पर बसा हुआ था, तो नवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, नवा पॉइंट, यमुना के तट पर वस्त्र जनपद था जिसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में थी। यमुना के तट पर वस्त्र जनपद था जिसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में थी। देखिए वस्त्र लोग, जो वत्स लोग थे, ये वही कुर्जन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में अगर बसे थे। तो नवे का सब पॉइंट नोट कर लेना कि वस्त्र लोग वही कुर्जन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में आकर बसे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दसवां पॉइंट है आपका, अब आता है अवंती राज्य। ठीक है, हम अवंती राज्य यहां पे देखेंगे। देखिए अवंती राज्य जो है, मैंने दिखाया था अभी आपको, अवंती राज्य मध्य प्रदेश में पड़ता है, मैं आप दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से, ये रहा अवंती राज्य, यानी कि इसकी ये रहा आपका अवंती राज्य। ठीक है, या मध्य प्रदेश में, आधुनिक मध्य प्रदेश में बोल सकते हैं आप, ये अवंती राज्य रहा यहां पर। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा यानी उत्तर में दो पार्टों में विभक्त है ये, उत्तर और दक्षिण। उत्तर उत्तरी राज्य की सीमा जो है, उत्तरी राज्य की राजधानी जो है उज्जैन है, और दक्षिण राज्य की राजधानी इसकी माहिष्मति है। ठीक है, तो दसवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, अवंती राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। ठीक है, यानी अवंती राज्य जो था वो मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। अब इसी में सब पॉइंट 10 का सब पॉइंट लिखेंगे। देखिए इस राज्य के दो भाग थे, इस राज्य के दो भाग थे। पहला सब पॉइंट इसमें, पहला सब पॉइंट, उत्तर भाग की राजधानी उज्जैन थी। सेकेंड सब पॉइंट, दक्षिण भाग की कौन सी थी, दक्षिण भाग की महिष्मति, दक्षिण भाग की महिष्मति। अब देखिए दसवें का अगला सब पॉइंट नोट कर लेना, दसवें का अगला सब पॉइंट नोट कर लेना, यहां बड़े पैमाने पर लौह कर्म का विकास हुआ और इसकी मजबूत किलेबंदी की गई। यहां बड़े पैमाने पर लौह कर्म का विकास हुआ और इसकी मजबूत किलेबंदी की गई। अब देखिए नोट डाल के अब एक बात लिख लेते हैं, क्या हुआ कि ईसा पूर्व छठी सदी के आते आते भारत में जो राजनीतिक इतिहास में, यानी इन राज्यों के बीच जो है प्रभुत्व के लिए संघर्ष स्थापित हो गया, पर प्रभुत्व के लिए संघर्ष स्टार्ट हो गया, यानी कि हमारा वर्चस्व ज्यादा होना चाहिए, हमारा ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए इन सभी राज्यों में आपस में फूट पड़ी, यानी इन सभी राज्यों में, इनमें सब में फिर एंड में मगध राज्य जो था वो सबसे शक्तिशाली राज्य बन के उभरा। ठीक है, तो नोट में अब आप लिखेंगे, इन राज्यों में या इन राज्यों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया, मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया, ये नोट में लिख लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी हेडिंग है आपकी मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार, यानी मगध साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और इसका विस्तार कैसे हुआ, ये आप अब यहाँ पे जानेंगे। इसमें देखिए पहला पॉइंट अब आप इसमें देखेंगे, नोट करेंगे, देखिए बिंबसार के शासनकाल में मगध ने जो है एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। पहला पॉइंट यही नोट करेंगे कि बिंबसार के शासनकाल में मगध ने एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। देखिए ये बिंबसार जो था ये हरियंक कुल का था, हरियंक, हरियक नहीं है, हरियंक है ये। ठीक है, वह हरियंक कुल का था और बुद्ध का समकालीन था। आठवें का सब पॉइंट लिखेंगे, वह हरियंक कुल का था तथा बुद्ध का समकालीन था। देखिए बिंबसार ने क्या किया था, बिंबसार ने जो है
अंग देश, एक अंग देश था, इस पर अधिकार करके इसका शासन अपने पुत्र को, अजातशत्रु को सौंप दिया था। तो सेकंड पॉइंट नोट करेंगे अब आप, सेकंड पॉइंट इसी में कि बिंबसार ने अंग देश पर अधिकार कर, या अंग देश पर अधिकार कर इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। सेकंड पॉइंट यही है कि बिंबसार ने अंग देश पर अधिकार कर इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। अब देखिए उस समय क्या था, आपको पता होगा कि जो राजा वगैरह होते थे, जो राजा हैं, वो लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए शादियां करते थे, यानी कि अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए, अपना राजनीतिक फायदा देखने के लिए वो शादियां करते थे, और एक से अधिक शादियां करते थे। तो बिंबसार ने भी तीन शादियां की थी, तीन अलग अलग राजघरानों से इसकी शादियां हुई थी, तीन अलग अलग राजघरानों की यहाँ पर जो राजकुमारियां इसके लिए ब्याही थी। ठीक है, अब देखते हैं वो तीन राजघराने कौन से थे जिससे इसकी शादियां हुई थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे अब आप, थर्ड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, बिंबसार ने तीन विवाह किए, बिंबसार ने तीन विवाह किए। अब थर्ड पॉइंट का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे, पहला सब पॉइंट, प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। थर्ड का पहला सब पॉइंट है, प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। अब इसके आगे ब्रैकेट निकले ना, दहेज में काशी मिला, दहेज में काशी ग्राम मिला, या दहेज के रूप में काशी ग्राम प्राप्त हुआ, जो भी लिखना चाहो आप लिख लेना, या दहेज में काशी मिला, इस तरह से लिख लेना ब्रैकेट में। तो तीसरे का पहला सब पॉइंट हो गया आपका, प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी, ब्रैकेट में दहेज में काशी मिला। ठीक है, अब तीसरे का सेकंड पॉइंट है यहां पर, तीसरे का सेकंड सब पॉइंट है आपका। अब देखिए इसने एक तो कौशल राज की पुत्री इससे कर लिया विवाह, ठीक है, प्रथम पत्नी जो है कौशल राज की पुत्री थी है और प्रसेनजीत की बहन थी। अब अगली कौन सी थी, यहां पर अगली जो थी इसकी सेकंड जो थी वो, अब तीसरे का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे आप, दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेल लड़ना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट में इंपॉर्टेंट लगा देना, पूछा जाता है कि अजातशत्रु जो है कौन सी रानी से था, ये दूसरे नंबर की रानी थी जिसका नाम था चेल लड़ना। ठीक है, और ये लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी थी, वैशाली से बिलोंग करती थी, ये पूछा जाता है, अजातशत्रु वाला पूछा जाता है काफी बार। तो तीसरे का सेकंड सब पॉइंट है आपका कि दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलड़ना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। तीसरे का तीसरा सब पॉइंट है, तीसरे का तीसरा सब पॉइंट है, तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी, तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की बेटी थी। ठीक है, तो यहां पर ये इनके वैवाहिक संबंध जो हुए थे वो सब राजनीतिक प्रतिष्ठा एक स्थापित हुई इन संबंधों से, क्योंकि अलग अलग राजघरानों से जो है ये शादियां की इन्होंने, तो इससे मगध साम्राज्य को एक बल मिला और मगध साम्राज्य को फैलाने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ इसी वजह से। ठीक है, तो आपने तीसरे का तीसरा सब पॉइंट भी नोट कर लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मगध की जो असली शत्रुता थी उस समय अवंती जो राज्य था, अवंती राज्य से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, क्योंकि जो आपका मालवा वाले क्षेत्र में, यानी कि अगर हम मध्य भारत वाले पोर्शन में देखें तो मध्य भारत में आपका अवंती राज्य और आपका जो पूर्व भारत है, पूर्व भारत में मगध राज, यही दो बड़े साम्राज्य थे उस समय। यानी कहा जाए अगर हम लोग देखें तो ये दो बड़े, बहुत बड़े साम्राज्य थे, लेकिन मगध ने अवंती को पछाड़ कर, अवंती को हरा कर फिर अपने आप को बड़ा साम्राज्य घोषित कर दिया था, अपने आप को बड़ा साम्राज्य के रूप में स्थापित किया, वो अलग बात है, लेकिन उस समय उसके टाइम पर ये दो साम्राज्य बहुत बड़े बड़े साम्राज्य थे, मगध और दूसरा अवंती। ठीक है, तो अगला पॉइंट अब आप नोट करेंगे, चौथा पॉइंट यहां पर, ठीक है, मगध की असली शत्रुता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी, मगध की असली शत्रुता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। चौथे का सब पॉइंट नोट करेंगे आप, इसके राजा चंड प्रद्योत, इसके राजा चंड प्रद्योत महासेन की बिंबसार से लड़ाई हुई, परंतु बाद में मित्रता हो गई, पहली लड़ाई भी हुई लेकिन बाद में ये लोग दोस्त भी बन गए, परंतु बाद में मित्रता हो गई। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर देखने को मिलता है कि मगध जो राज्य है, मगध राज्य में 80,000 गांव थे, ऐसा मतलब लिखा गया है कहीं कहीं, तो इसमें भी लिखा है कि मगध राज्य में 80,000 गांव थे। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, मगध राज्य में 80,000 गांव थे।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मगध की जो पहली राजधानी यानी मगध की भी दो राजधानियां थी, जैसे अवंती की दो राजधानियां थी, ठीक है, उज्जैन और महिष्मती, वैसे मगध की भी दो राजधानियां बनी। पहली राजधानी इनकी जो थी वो राजगीर थी। पहला अब इसका यानी कौन सा पॉइंट है, छठा पॉइंट है, मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी, राजगीर में थी। उस समय इसे गिरिव्रज कहते थे, उस समय इसे गिरिव्रज कहते थे। गिरिव्रज क्यों कहते थे मैं बता रहा हूं, ये राजगीर वाला क्षेत्र जो था ये पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, तो पांच पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से ये एक अवैध दुर्ग था। और उस समय इतना ज्यादा कोई ना टेक्नोलॉजी का विकास था, ना इतने ज्यादा अस्त्र शस्त्र से या बारूद वाले हथियार थे कि भाई इस दुर्ग को तोड़ लेते, तो उस समय के लिए बहुत ही असंभव बात थी। आज के समय में अगर हम परिकल्पना करें तो आज के समय में तो किले भी बेकार है, यानी आज के समय में आप जो बहुत बड़े किले देख रहे हैं भारत के अंदर वो भी पल भर में ध्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि आजकल तो एयर स्ट्राइक का जमाना है भाई। सर्जिकल स्ट्राइक तो सुनी होगी सभी ने, सर्जिकल स्ट्राइक से मोदी जी ने तो हवा मतलब निकाल दी पाकिस्तान की। तो अब सर्जिकल स्ट्राइक वाला जमाना है, तो अब किले वगैरह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब तो अगर परिप्रेक्ष्य अभी वर्तमान में देखें तो अब तो बंकर का चलता है जमाना, यानी बंकर यानी कि न्यूक्लियर अटैक भी होने पर बंकर सुरक्षित रहते हैं, जबकि अब किले वगैरह का तो महत्व चला गया। तो समय के अकॉर्डिंग हर चीज़ का महत्व होता है, कहने का मतलब यहाँ पर यही है, ठीक है। तो छठा पॉइंट आपका नोट कर लिया होगा आपने कि मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी, उस समय इसे गिरिव्रज कहते थे। छठे का सब पॉइंट नोट करेंगे, पांच पहाड़ियों से घिरे होने से राजगीर अवैध दुर्ग हो गया था। पांच पहाड़ियों से घिरे होने से राजगीर अवैध दुर्ग हो गया था, ये छठे का सब पॉइंट है, ठीक है। सातवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, अब आप देखिए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबसार ने 544 से 492 ईसा पूर्व तक यानी कि 52 साल शासन किया। ये सातवां पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक 52 साल शासन किया, ठीक है। सातवें का सब पॉइंट नोट करेंगे, सातवें का सब पॉइंट, उसके बाद अजात शत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। यानी सातवें का सब पॉइंट यही है, उसके बाद अजात शत्रु का काल है 492 से 460 ईसा पूर्व में ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया था, ठीक है। देखिए अजातशत्रु की माता जो थी वो लिच्छवी कुल की थी, लेकिन फिर भी वो लिच्छवी कुल यानी कि वैशाली पर हमला करना चाहता था, फिर भी वो वैशाली से द्वेष मानता था। उसका मानना ये था कि वैशाली का भी वैभव अच्छा खासा था, तो उसने काफ़ी समय यानी कि वैशाली के वैभव को नष्ट करने में भी लगा दिया। यानी उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि हमारी ननिहाल है वहाँ पर, बस वो उनसे जलन रखता था, द्वेष रखता था, इसीलिए उसने जो है षड्यंत्र रचकर वैशाली को नष्ट करने की पूरी पूरी कोशिश की और वैशाली पर हमला भी किया, ठीक है। तो आठवां पॉइंट आप नोट करेंगे, अजात शत्रु की माता लिच्छव कुल की राजकुमारी थी, फिर भी उसने वैशाली पर हमला किया। आठवां पॉइंट यही है कि अजात शत्रु की माता लिच्छव कुल की राजकुमारी थी, फिर भी उसने वैशाली पर हमला किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अजातशत्रु के टाइम में जो पहले मैंने बताया था कि चंड प्रद्योत और बिंबसार की मित्रता हो गई थी, लेकिन अब जैसे ही बिंबसार की मौत हो गई तो अवंती भी अब एक स्वतंत्र शासक के रूप में उभर के आया। तो अब यहाँ पर जो अजातशत्रु के टाइम में इसकी प्रतिद्वंदता फिर से अवंती शासक से हो गई, ठीक है। फिर से इसका जो था यानी इसकी प्रतिद्वंदता फिर से इसने अवंती शासक से हो गई। तो अब नवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था, यानी अजातशत्रु के जो प्रतिद्वंदी थे तो उनमें अवंती का शासक शक्तिशाली था, ठीक है। नमे का सब पॉइंट नोट करेंगे आप, नमे का सब पॉइंट, अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के बसों को हराया था, ठीक है, कौशाम्बी के बसों को हराया था और मगध पर हमला करने की धमकी दे रहे थे,
और मगध पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। देखिए यही चिंता थी, इसी वजह से उसे डर था अजातशत्रु को कि भाई एक बड़ा बहुत बड़ा राज्य है अवंती, शक्तिशाली हमारा दुश्मन है और हमला भी करने की धमकी भी दे रहा है। तो इसने जो है राजधानी जो है फिर ये वहां से अपनी राजधानी इसने हटाई राजगीर से, और इसने अपनी अगली राजधानी जो है पटना बना ली, यानी पाटलिपुत्र, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। तो इसने पाटलिपुत्र में जाकर फिर अपनी राजधानी जो है इसने मतलब इसके बाद अजातशत्रु के बाद शासक हुआ उदयन, उदयन ने वो मगध की गद्दी पर बैठा है, फिर उसने अपनी राजधानी जो है वो पटना यानी पाटलिपुत्र में जाकर अपनी स्थापित की थी। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर ये है। चलिए 10th पॉइंट अब आप नोट करेंगे, 10वां पॉइंट, अजातशत्रु के बाद उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन नाम है शासक का ही, उदयन, ठीक है, अजातशत्रु के बाद उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, दसवें का सब पॉइंट, उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। देखिए पटना जो था वो मगध साम्राज्य के केंद्र भाग में लगभग पड़ता था। ठीक है, अगला पॉइंट अब आप नोट करेंगे। देखिए पटना भी एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, ये आगे हम जानेंगे कैसे महत्वपूर्ण था, कितनी रणनदियां आके मिलती थी पटना में, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, इसके महत्व में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके इसकी सफलता के कारण में पढ़ेंगे, अभी यहां पर नहीं लिखेंगे पॉइंट वो। ठीक है, अब 11वां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, 11वां पॉइंट, उदयन के बाद शिशुनागों का वंश का शासन शुरू हुआ। 11वां पॉइंट यही है कि उदयन के बाद शिशुनागों के वंश का शासन शुरू हुआ। अब 11वें का सब पॉइंट देखिए, उदयन के समय क्या घटना घटित हुई है, वे राजधानी को कुछ समय के लिए वैशाली ले गई, वे राजधानी को थोड़े समय के लिए वैशाली ले गए। ठीक है, 11वें का अगला सब पॉइंट, 11वें का सेकंड सब पॉइंट, इन्होंने अवंती यानी मालवा वाला जो राज्य अवंती, अवंती की शक्ति को तोड़ दिया, यानी कि इन्होंने अवंती की शक्ति को इन्होंने तोड़ना इनका ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो 11वें का सेकंड सब पॉइंट यही है, इन्होंने अवंती की शक्ति को तोड़ दिया। 11वें का सेकंड सब पॉइंट, 11वें का सॉरी थर्ड सब पॉइंट है, 11वें का थर्ड सब पॉइंट है 11वें का, इसके बाद अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और मौर्य साम्राज्य के अंत तक बना रहा। 11वें का सब पॉइंट यही है, इसके बाद अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और मौर्य साम्राज्य के अंत तक बना रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शिशुनाग के बाद अब नंदों का शासन आता है, नंद वंश का शासन आता है। तो 12वां पॉइंट है, शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। देखिए आपको एक एक फैक्ट की बात मैं बता दूं, यहां पर नंद वंश पहला यानी कि जो नंद वंश का शासक महापद्मनंद था, ये पहला यानी कि भारत के इतिहास का पहला महापद्मनंद पहला शूद्र शासक था। ये बात आपने पढ़ी भी होगी, यानी कि जहां पर जहां डीपली फैक्ट वगैरह बुकें होती हैं, स्टेट की बुक वगैरह है, वहां पढ़ी हुई होगी, महापद्मनंद जो है पहला भारतीय शूद्र शासक था। ठीक है, पहला भारतीय शूद्र शासक था, ये आपको मैंने बता दिया फैक्ट। आपने देखिए एक सीरियल आता था चंद्रगुप्त मौर्य करके, उसमें दिखाया भी है ये, यानी उसमें कुछ यानी कि ऐसा नहीं है कि जो आजकल सीरियल आते हैं मतलब सब कुछ फैक्ट्री मतलब तोड़ देते हो, तोड़ मोड़ को पेश करते हो, कुछ फैक्ट फिर भी रहते हैं। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी महापद्मनंद जो है शूद्र शासक दिखाया गया है। ठीक है, तो 12वां पॉइंट आपने नोट किया होगा, शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। अब देखिए जो नंद वंश था वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा मजबूत वंश था, तो इनकी शक्ति के आगे जो है सिकंदर ने भी घुटने टेक दिए थे नंद वंश के समय, क्योंकि नंद वंशों के नंद के टाइम में ही जो सिकंदर भारत में उसका आक्रमण हुआ, भारत में प्रवेश हुआ था, और उस समय नंद वंश की जो सत्ता थी वो चरमोत्कर्ष पर थी, यानी कि अपने चरम पर थी। तो उसके जो सेना वगैरह थी उसने सुन रखा था कि भाई नंद वंश में यानी नंद साम्राज्य में अच्छी खासी सेना है, बहुत बड़ी सेना है, काफी बड़ी हाथियों की फौज है, जबकि जो उन लोगों की फौज थी वो घोड़ों वाली फौज थी, उनके में हाथी नहीं थे, जबकि इनके पास बहुत ज्यादा संख्या में हाथी भी थे।
तो इस वजह से जो सिकंदर के सैनिक थे उनका मनोबल टूट गया था। तो 12वें का सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे, 12वें का सब पॉइंट नोट करेंगे आप, इनकी शक्ति के आगे 12वें का सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट है, इनकी शक्ति के आगे सिकंदर ने भी पूर्व में बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यानी किसकी शक्ति के आगे? नंदों की शक्ति के आगे। इसकी शक्ति के आगे सिकंदर ने भी पूर्व में बढ़ने की हिम्मत नहीं की। 12वें का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे आप, 12वें का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे अब आप, सेकंड सब पॉइंट 12वें का यहां पर है, ये वाला है, नंदों ने कलिंग को जीतकर मगध की शक्ति को बढ़ाया और विजय स्मारक के रूप में वे कलिंग से जिनकी मूर्ति उठा लाए थे, यानी कि जैन उपासक जिनकी मूर्ति थी यहां पर, तो इसे ये लोग उठा लाए थे। तो 12वें का सेकंड पॉइंट है, सेकंड सब पॉइंट है, नंदों ने कलिंग को जीतकर मगध की शक्ति को बढ़ाया, विजय स्मारक के तौर पर कलिंग से जिनकी मूर्ति उठा लाए। 12वें का तीसरा सब पॉइंट है, ये सभी बातें महापद नंद के शासनकाल में घटित हुई। ये सभी बातें यानी इसका फिर बेटा हुआ होता है घनानंद, यानी महापद्म नंद के बाद इसका बेटा होता है घनानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था चाणक्य की मदद से, ठीक है, घनानंद को। इसी के साथ नंद वंश एंड हो जाता है और फिर मौर्य वंश स्थापित हो जाता है, यानी इसका पुत्र था घनानंद, महापद्म नंद का पुत्र था घनानंद, ठीक है। तो महापद्म नंद तक तो इतना आ जाता है, क्रूर अत्याचारी नहीं था ये, घनानंद सबसे अत्याचारी था ये। तो 12वें का थर्ड सब पॉइंट आप नोट करेंगे आप, कि ये सभी बातें महापद्म नंद के शासनकाल में घटित हुई, यानी कि जो आगमन हुआ है सिकंदर का वो महापद्म नंद के शासनकाल में हुआ है। उसने अपने को एकराट कहा है, एकराट का मतलब एक छत्र अधिकार से है, यानी उसने अपने को एकराट कहा है। अगला पॉइंट 13वां सब पॉइंट है, अब आप 13वां सब पॉइंट है यहां पर, देखिए नंदों का जिक्र किया गया कि नंद सेना कितनी बड़ी थी, नंदों में 200,000 पदाती यानी पैदल चलने वाले, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर 6,000 हाथी थे, यानी बहुत बड़ी विशाल सेना थी उस समय, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगला 13वां पॉइंट आप नोट करेंगे यहां पर, 13वां पॉइंट नोट करेंगे, नंदों के शासन के स्थान पर, ठीक है, यहां नंद लिख लेना, नंदों के शासन के स्थान पर मगध में मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य वाले में और हम डीपली देख लेंगे कौन कौन रहे हैं, ठीक है। तो ये 13वां पॉइंट था। अब देखिए नोट डाल के एक बात अब लिख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें याद करने में और कालक्रम याद रखने में आसानी हो जाए, ठीक है, नोट करके, क्योंकि वो लिखना बहुत जरूरी है, उससे एक बार में हमारा रिवीजन हो जाएगा पूरा। देखिए पहला नाम तो यहां पर आता है मगध साम्राज्य के संदर्भ में बिंबिसार का, ठीक है, बिंबिसार, इसके बाद बिंबिसार के बाद अजात शत्रु, फिर आता है उदयन, ठीक है, फिर इसके बाद आता है शिशुनाग वंश, यही लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, शिशुनाग वंश, इसके बाद आता है नंद वंश और फिर आता है मौर्य वंश, ठीक है, ये क्रम याद रखना और ये क्रम से क्वेश्चन आता है, ये भी याद रखना, इस क्रम को पूछा जाता है। यहां पर बिंबसार, अजात शत्रु और उदयन तक ये एक वंश के लोग रहे हैं, ये एक ही वंश के थे तीनों, जबकि शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश ये तीन अलग वंश थे, यानी कि ऊपर वाला वंश आप मान हरियंक वंश यानी हरियंक कुल था ये, ठीक है, हरियंक कुल था ये पूरा वाला, इसे हरियंक कुल कहते हैं, यानी बिंबसार, अजात शत्रु, उदयन तक, इसे हरियंक कुल भी ब्रैकेट में आप लिख लेना, हरियंक कुल या हरियंक वंश, इस तरह से आप लिख लेना ब्रैकेट में हरियंक वंश, तीनों को सम्मिलित करके हरियंक वंश, फिर उसके बाद कौन सा है, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। देखिए यही जो डीपली चीजें हैं यही आपको क्वेश्चन सही और गलत करवाती हैं, तो
तो अब मैं इतना डीपली आपको पता समझा दे रहा हूं, तो अब क्वेश्चन गलत होने की आपकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बस रिवीजन करते रहना आप, ठीक है। तो हरियंश हरि तीन मतलब कितने वंश हो गए, हरियंक, शेषनाग, नंद और मौर्य वंश, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगली हेडिंग है आपकी कि मगध की सफलता के कारण, यानी मगध की सफलता किस तरह से पहुंची कि मगध में बिंबसार, अजातशत्रु और महापद्म जैसे और जो है साहसी और महत्वाकांक्षी शासक हुए, ठीक है। तो ये कैसे पहुंची, यानी कि इन्होंने अच्छे या बुरे उपाय अपनाने से राज्यों का विस्तार किया और कैसे मजबूत किया इस राज्य को, तो वो हम यहाँ पे जानेंगे मगध की सफलता के कारण, ठीक है। तो आपने हेडिंग डाल ली होगी मगध की सफलता के कारण, अब देखिए इसमें नोट करेंगे। सबसे बड़ी बात थी कि उस समय लौह युग स्टार्ट हो गया था और भौगोलिक दृष्टि से जो इसकी राजधानी राजगीर थी उसके पास ही एक समृद्ध लौह अयस्क का भंडार भी था, ठीक है। तो जब लौह अयस्क का भंडार है, खनिज का भंडार अगर बगल में था, तो उन्होंने प्रभावशाली हथियार तैयार करवाए, यानी बहुत अच्छे किस्म के हथियार तैयार करवाए, जिससे उनके विरोधी जो है आसानी से ऐसे हथियार प्राप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि चूंकि इनके पास उस राज्य क्षेत्र में उनके पास खाने थी, यानी उस राज्य क्षेत्र में कोयला निकल रहा था, सॉरी कोयला क्यों बोल रहा हूँ, लोहा और नेवा निकल रहा था, जबकि अन्य राज्यों में लोहे के भंडार ऐसे नहीं थे। तो सबसे बड़ी बात थी हथियारों की, हथियार इनके पास एक उत्तम कोटि के हथियार बन सके, इस वजह से ये साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचे, मगध साम्राज्य जो है इस वजह से अपना चरम पर पहुंचा। और इसके अलावा यहाँ पर जो शासक थे, शासक भी प्रभावशाली रहे, यानी कि चाहे वो हरियंक कुल के रहे हों, शिशुनाग के रहे हों, नंद के रहे हों या मौर्य के रहे हों, चारों शासक जो थे एक अपने आप में एक तेजमान और एक उत्तेजित रूप में देखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप नोट करेंगे, आप पहला पॉइंट मगध की सफलता के कारण में लोहे के या लौह युग में, सॉरी यहां से स्टार्ट करिए, आप पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट करिए, लोहे के समृद्ध भंडार, लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से, लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर के समीप होने से, राजगीर के समीप होने से यहां के शासक अपने लिए, यहां के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार करा सके, यहां के शासक अपने लिए, यहां के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार करा सके, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर के समीप होने से यहां के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार करा सके। इसके अलावा एक सेकंड पॉइंट यहां पे आप नोट करेंगे, यहां पर एक बात और थी, यानी कि इनकी जो खाने थी, इसके अलावा लोहे की खाने जो थी वो पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मिली, जो उज्जैन राजधानी अवंती राज्य से दूर नहीं थी, इस वजह से अवंती भी उस समय अच्छे खासे अपने चरम पर पहुंच गया, ठीक है। तो सेकंड सब पॉइंट अब आप नोट कर लीजिए, यानी कि इसी में पहले पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट है, पहले पॉइंट का यहां से है, ठीक है। पहले पॉइंट का सब पॉइंट है, पहला सब पॉइंट है, पहले सब पॉइंट का लोहे की खाने पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मिली थी, जो उज्जैन राजधानी वाले अवंती राज्य से अधिक दूर नहीं थी। लोहे की खाने पूर्वी एमपी में भी मिली है, जो उज्जैन राजधानी वाले अवंती राज्य से दूर नहीं थी। देखिए इस वजह से ये दोनों राज्य जो है बहुत शक्तिशाली बनकर उभरे, क्योंकि इनके पास उस समय हथियार के प्रमुख, हथियार के लिए जो सबसे प्राइमरी साधन यानी कि एक प्रमुख स्रोत के रूप में लोहा, लोहे के अयस्क था, ठीक है। इस वजह से यानी कि लोहा सबसे पहले इन्हीं लोगों के राज्य में पड़ा, तो इस वजह से ये राज्य बहुत शक्तिशाली बनकर चले गए, सबसे बड़ा रीजन यही था, ठीक है। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे अब आप, सेकंड पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, मगध की दोनों राजधानियां प्रथम राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी दोनों राजधानियां प्रथम राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से परम महत्वपूर्ण स्थानों पर थीं, सामरिक दृष्टि से परम महत्वपूर्ण स्थानों पर थीं, ठीक है। अब कैसे थीं, अब वो भी हम यहां पर जान लेते हैं, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर कैसे थीं वो भी हम जान लेते हैं यहां पर। तो सेकंड पॉइंट का पहला सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे, यहां पर सेकंड पॉइंट का पहला सब पॉइंट, सेकेंड पॉइंट का पहला सब पॉइंट यहां से है, राजगीर पांच पहाड़ियों की श्रृंखला से गिरा था, इसलिए वह दुर्भेद्य था, यानी उसको कोई भेद नहीं सकता था। राजगीर पांच पहाड़ियों की श्रृंखला से गिरा था, इसलिए वह दुर्भेद्य था, ठीक है।
अब देखिए यहां पर पांचवी ईसा पूर्व जो है पांचवी सदी में जो है मगध के शासक जो थे वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गए थे, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र आप लिख लीजिए। अब अगला अगला सब पॉइंट यानी कि सेकंड पॉइंट है पाटलिपुत्र, ब्रैकेट में लिख लेना ईसा पूर्व पांचवी सदी में। ठीक है, पाटलिपुत्र गंगा गंडक और सोन नदियों के संगम पर था और पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घाघरा नदी भी गंगा में मिलती थी। इस प्रकार पाटलिपुत्र सही मायने में जल दुर्ग था। ठीक है, आपका सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट यही है, सेकंड सब पॉइंट है पाटलिपुत्र गंगा गंडक और सोन नदियों के संगम पर था और पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घाघरा नदी भी गंगा से मिलती थी, इस प्रकार पाटलिपुत्र जल दुर्ग था। अगला पॉइंट नोट करेंगे यहां पर, देखिए अगला पॉइंट यहां पर यह है, चलिए आगे देखिए। दूसरी बात यहां पर यह है कि एक उपजाऊ प्रदेश था, यहां पे चार चार नदियां आगे मिल रही हैं, तो एक आप संभवतः आप खुद ही स्वाभाविकता आप जान सकते हैं कि बहुत ज्यादा उपजाऊ प्रदेश था। इस प्रदेश में धान जो है बहुत चरम धान की खेती बहुत ज्यादा होती थी और धान रोपने की प्रथा यहीं से स्टार्ट की गई, यानी कि इस प्रदेश में यहीं से स्टार्ट हुई थी और बौद्ध ग्रंथों में धान की कई यानी चावल की कई किस्मों का पता चलता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अनाज जो है बहुत अच्छी मात्रा में पैदा होता था क्योंकि लगभग कोई कमी नहीं थी यहाँ पे, यानी कि नमी की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, मिट्टी भी उपजाऊ है। ठीक है, सबको यानी सामरिक दृष्टि से हर तरीके से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप खुद बता दोगे चार चार नदियों के नाम लिखवा दिए तो कॉमन सेंस तो है ही आप लोगों में, इतना तो पता ही चल गया जब चार नदियां गुजर रही हैं वहां से तो खेती अच्छी खासी होती होगी। अगला पॉइंट अब आप नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट, मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से भी लाभ उठाया, यानी कि मगध के शासकों ने जो नगरों का उत्थान हुआ उससे और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से भी लाभ उठाया। थर्ड पॉइंट यही है। चौथा पॉइंट, देखिए मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, यानी कि पहला ऐसा राज्य जो है प्राचीन काल में पहला ऐसा राज्य था साम्राज्य जिसने बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया वो मगध ही था। ठीक है, तो मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ठीक है, पांचवा पॉइंट है अब आपका, यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6,000 हाथी थे। ठीक है, यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6,000 हाथी थे। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट आप यहां से लिख लीजिए, इन्हीं सब कारणों से मगध को दूसरे राज्यों को हराने में और भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफलता मिली, यानी पहला रीजन ये था उसकी जो दोनों राजधानियां थी बिल्कुल अवैध दुर्गों में स्थापित हुई, चाहे पाटलिपुत्र हो या राजगीर हो, इसके अलावा वहां पे लोहे के प्रचुर भंडार थे, लोहा निकल रहा निष्कर्षण हो रहा था लोहे का, इस वजह से अच्छे उन्नत किस्म के हथियार भी बन सके। ठीक है, तो ये रीजन थे कि इस वजह से मगध जो है प्राचीन काल का सबसे बड़ा साम्राज्य बन के उभर के आया। ठीक है, तो छठा पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब चैप्टर नंबर 16वां चैप्टर है आपका, ईरानी और मगदूनियाई आक्रमण, यानी कि जब हमने नंदवंश की चर्चा कर रहे थे तो उसी समय हमने देखा था कि सिकंदर का आगमन हुआ है, सिकंदर की सेना डरी हुई है नंदवंश के साम्राज्य से, यानी मगध साम्राज्य के जो वैभव के आगे उसकी सेना के आगे, ठीक है, इसके आगे वो सिकंदर की सेना डर गई है, तो ये सब हमने देखा था। अब हम इसी के क्रम में ईरानी और मगदूनियाई आक्रमण जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे ईरानी आक्रमण। देखिए आपने अभी पिछले चैप्टर में आपने मगध साम्राज्य वाला पोर्शन पढ़ा था, तो वो आपने अगर मैप देखा हो तो मैप अगर आपने फिर से अगर आप मैप निहारें तो मैप में आप देखेंगे कि वो हम वहां पर पूर्वी भारत वाले हिस्से की बात कर रहे थे, यानी कि भारत का वो पूर्वी हिस्सा था, मगध वज्जी वैशाली और जो अवंती, यानी अवंती तो मध्य भारत में आ गया, और जो कौशल वगैरह थे ये सब पूर्वी भारत वाले हिस्से के पार्ट थे।
ठीक है, यानी कि मध्य भारत वाला हिस्सा भी सिक्योर था, मध्य भारत में भी अच्छा खासा शासन था, पूर्वी भारत में जो छोटे छोटे राज्य थे उसमें मगध सबसे बड़ा था, वो भी और अच्छा खासा मतलब क्षेत्र था वो वाला भी, ठीक है। अब यहाँ पर पश्चिमी भारत की बात कर रहे हैं उसी समकाल में, देखिए पश्चिमी भारत में हमारे जो पश्चिमी भारत वाली स्थिति है उसमें उसी के समकालीन में वहां पर छोटे छोटे राज्य थे, यानी जो राज्य थे और वहां के राजा आपस में लड़ते रहते थे, इसकी वजह से वहां पर कोई शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। दूसरी बात यह थी कि वहां पर इतने सारे रिसोर्स भी नहीं थे, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स भी नहीं थे जैसे कि आपने पूर्वी भारत में थे, जैसे कि लोहे की खान वगैरह थी, लोहे का मिलना, उस तरह के रिसोर्स भी वहां पर नहीं थे, तो वहां के जो पश्चिमोत्तर भारत वाले राजा थे वो इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो अब इसी में लिखेंगे पहला पॉइंट यहीं पर लिखेंगे, पश्चिमोत्तर भारत में ईसा पूर्व छठी सदी के पूर्वार्ध में कंबोज, गंधार और मद्र आदि के राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। पहला पॉइंट यही है, पश्चिमोत्तर भारत में ईसा पूर्व छठी सदी में कंबोज, गंधार और मद्र के राजा, ईसा पूर्व छठी सदी में कंबोज, गंधार और मद्र आदि के राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। इसके अलावा देखिए, ये दर्रों वाला क्षेत्र था, यानी पहाड़ी इलाका था, यहां पर जो दर्रे थे उन पर भी कोई ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया था इन लोगों ने कि वहां पर कोई सेना वगैरह खड़ी की हो जिससे कि दर्रों पर आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा सके, तो कोई भी व्यक्ति उस दर्रों के जरिए घुस सकता था। तो पहले का सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे। इतना ही नहीं, हिंदुकुश के दर्रों से इस क्षेत्र में बाहर से आसानी से घुसा जा सकता था। पहले का सब पॉइंट यही है, इतना ही नहीं, हिंदुकुश के दर्रों से इस क्षेत्र में बाहर से आसानी से घुसा जा सकता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट अब यहां पे नोट करेंगे अब आप। जिस समय मगध के राजा अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे उस समय ईरान के हखमनी शासक भी अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। थर्ड पॉइंट यही है कि सेकंड पॉइंट है आपका सॉरी, जिस समय मगध के राजा अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे उस समय ईरान के हखमनी शासक भी अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। थर्ड पॉइंट अब आप नोट करेंगे देखिए, ईरान शासक जो है दारहे बहू, देरियस के नाम से जाना जाता है इसे, देरियस के नाम से जाना जाता है। तो थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, ईरानी शासक दारहे बहू ब्रैकेट में देरियस 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में घुस गया और उसने पंजाब, सिंधु नदी के पश्चिम इलाके और सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। देखिए ये जो क्षेत्र मिलाए थे उसने, तो ये क्षेत्र फारस यानी कि ईरान का 20वां प्रांत या क्षेत्र भी बन गया था। तो थर्ड पॉइंट का सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे इसी में, थर्ड पॉइंट का सब पॉइंट, यह क्षेत्र फारस ब्रैकेट में ईरान का 20वां प्रांत या छत्रपी बन गया, यानी प्रांत को वहां पर छत्रपी बोलते थे, छत्रपी, ठीक है। यह क्षेत्र फारस ब्रैकेट में ईरान का 20वां प्रांत या छत्रपी बन गया, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए यह साम्राज्य का सबसे अधिक आबाद और उपजाऊ हिस्सा भी यहीं पर था। देखिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी का उद्गम या सिंधु नदी यहाँ से बहती थी, तो ये क्षेत्र उपजाऊ भी था, और आपने इसकी सभ्यताओं के बारे में पढ़ लिया था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर यानी सभ्यताएं यानी कि अच्छी खासी बस्ती भी थी, अच्छी खासी खेती बिहारी भी वहाँ अच्छी खासी होती थी। इसके अलावा देखिए, इस क्षेत्र से इन लोगों को 300 टैलेंट यानी कि उस समय मुद्रा और भारत की प्राचीन माप है, टैलेंट जो है वो भारत की प्राचीन माप है, ये भी आप याद रखनी है। तो इतना सोना राजस्व के रूप में मिलता था जो कि उनके पूरे फारस के साम्राज्य के कुल राजस्व के एक तिहाई भाग के बराबर था, यानी कि पूरा फारस का साम्राज्य जितना अर्जित करता था, जो जितना राजस्व अर्जित करता था उसका 1/3 केवल आपके भारत के तीन प्रांत दे रहे थे। भारत के तीन प्रांत कौन कौन से थे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यानी कि पंजाब, सिंधु नदी के पश्चिम का इलाका और सिंध वाला प्रांत, ठीक है, ये तीनों क्षेत्र इतना दे रहे थे, मिला के 1/3। तो यहां पर अगला सब पॉइंट नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट का अगला सब पॉइंट है, थर्ड पॉइंट का थर्ड सब पॉइंट है, ठीक है। इस क्षेत्र से 300 टैलेंट ब्रैकेट में मुद्रा तथा भारत की प्राचीन माप सोना राजस्व के रूप में आता था, जो फारस के कुल राजस्व का एक तिहाई था,
जो फारस के कुल राजस्व का, ठीक है, कुल राजस्व का एक तिहाई था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर चौथा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, ठीक है, दारे बहु के उत्तराधिकारी क्षयार्स यानी जर्सिस ने यूनानियों के खिलाफ लंबी लड़ाई में भारतीयों को अपनी फौज में शामिल किया। यानी कि अब इनका इनके साम्राज्य हकमनी साम्राज्य का भी पतन होने की ओर उन्मुख हो गया। हकमनी साम्राज्य भी अपने पतन पर पहुंच गया और इसका उत्तराधिकारी है वो क्षयार्स यानी जर्सिस बना है। तो इसने यूनानियों के खिलाफ लंबी लड़ाई में फिर अपने भारतीय जो थे उन्हें भारतीयों को भी शामिल करना स्टार्ट कर दिया। चौथा पॉइंट यही है कि दारे बहु के उत्तराधिकारी क्षयार्स यानी कि जर्सिस ने यूनानियों के खिलाफ लंबी लड़ाई में भारतीयों को अपनी फौज में शामिल किया। ठीक है, अब देखिए, अब हेडिंग आप डालेंगे संपर्क के परिणाम, यानी कि ईरानी के भारत से संपर्क होने के क्या परिणाम निकले, ये आप यहां पे इसी संबंधित हेडिंग ही है। तो यानी कि आपकी जो ईरानी आक्रमण के ही सब हेडिंग है ईरानी आक्रमण की, संपर्क के परिणाम। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, भारत और ईरान का जो यह संपर्क था ये करीब 200 सालों तक रहा। यानी कि भारत और ईरान पर, यानी कि भारत के इन पश्चिमोत्तर प्रांतों पर ईरान का शासन लगभग 200 सालों तक चला। कहने का मतलब ये है, तो पहला पॉइंट यही है, भारत और ईरान का यह संपर्क करीब 200 सालों तक बना रहा। अब देखिए, जब इतने 200 सालों तक जो संपर्क बना रहेगा तो ऑब्वियसली बात है व्यापार भी होगा, यानी कि व्यापार भी होगा प्लस संस्कृति का आदान प्रदान भी होगा। ठीक है, यानी 200 सालों तक लोग वहां जाएंगे आएंगे तो संस्कृति भी कल्चर का भी एक्सचेंज होगा। तो पहले का सब पॉइंट अब आप नोट कर लेना, पहले पॉइंट का सब पॉइंट संपर्क के परिणाम में, पहले पॉइंट का सब पॉइंट है इससे भारत और ईरान के बीच व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सिंधु के लिए हिंदू नाम जो था वो उस इसी समय ईरानियों ने किया था, लेकिन उस समय हिंदू शब्द का धर्म से कोई लेना देना नहीं था, ये भी आप जान लीजिए। तो सेकंड पॉइंट अब आप नोट कर लीजिए, सेकंड पॉइंट, सिंधु के लिए हिंदू नाम का आरंभ, सिंधु के लिए हिंदू नाम का आरंभ इसी समय से ईरानियों ने किया। सेकंड का सब पॉइंट, पर उस समय हिंदू शब्द का धर्म से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, पर उस समय हिंदू शब्द का धर्म से कोई संबंध नहीं था। थर्ड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, यहां पर थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, देखिए, ईरानी लिपिकार को उनकी भाषा में कातिब बोलते हैं, उनकी भाषा में उन्हें कातिब बोलते हैं, ईरानी लिपिकार ब्रैकेट में कातिब भारत में, ईरानी लिपिकार कातिब भारत में लेखन का नया रूप, लेखन का नया रूप जो लाए, नया रूप लाए जो आगे चलकर खरोष्टी नाम से मशहूर हुआ। यानी कि ईरानी लिपकार जो, यानी जिन्हें कातिब कहते थे, ये भारत में लेखन का एक नया रूप लेके आए जिसे जो आगे चलकर खरोष्टी के नाम से मशहूर हुआ। थर्ड पॉइंट यही है कि ईरानी लिपकार भारत में लेखन का नया रूप लाए जो आगे चलकर खरोष्टी नाम से मशहूर हुआ। देखिए, खरोष्टी जो है ये उर्दू की तरह, यानी अरबी भाषा की तरह ये लिपि भी दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। यानी हम तो कहाँ से लिखते हैं, हम तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, यानी इस साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं और यहां तक लिखते जाते हैं, जबकि ये इस तरह से लिखी जाती है, इस तरह से इधर लिखी जाती है। ठीक है, यानी दाई से बाएं। तो तीसरे का सब पॉइंट लिख लेना, दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। ठीक है, अब थर्ड का अगला सब पॉइंट, थर्ड का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना आप, ईसा पूर्व तीसरी सदी में, ऐसे नहीं, सॉरी, थर्ड पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे आप, कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से, कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व से, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक, ये ईसा पूर्व वाला समय है और ये ईस्वी वाला समय है, तीसरा तीसरी शताब्दी ईस्वी तक, ये भी याद रखना, तीसरी शताब्दी ईस्वी तक खरोष्टी लिपि चलती रही, यानी लगभग 600 सालों तक ये लिपि चलती रही। कहने का मतलब ये है, तो तीसरे का सब पॉइंट नोट कर लेना, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक यह लिपि चलती रही।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, अब आप यहां पर चौथा पॉइंट नोट करेंगे, ईरानी शब्द दीपि के लिए अशोककालीन लेखकों ने लिपि शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि ईरानी शब्द उसी समकालीन ईरानी शब्द दीपि, इसके लिए अशोककालीन लेखकों ने लिपि शब्द का प्रयोग किया है। अब देखिए यहां पर जो भारत की अपार संपत्ति है इसके बारे में ईरानियों को बहुत पहले ही पता था, अब जब ईरान के आक्रमण जो है यूनान से होने लगे तो यूनानियों को भी भारत की अपार संपत्ति के बारे में इन्हीं लोगों से जानकारी मिली, यानी ईरानियों से ही जानकारी मिली, इसीलिए हमने यहां पर ईरान का शासन पहले पढ़ा है, कहने का मतलब यहां पर यह है। तो पांचवा पॉइंट अब आप लिखेंगे इसमें, यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जो जानकारी मिली, यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी ईरानियों के जरिए ही मिली, ईरानियों के जरिए ही मिली, ठीक है, पांचवा पॉइंट आपका यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग है आपकी सिकंदर का आक्रमण। अब देखिए यहां से स्टार्ट हो जाता है सिकंदर का आक्रमण, अब आप जानेंगे सिकंदर का आक्रमण कैसे कैसे हुआ, तो अब अगली हेडिंग है सिकंदर का आक्रमण। देखिए सिकंदर का आक्रमण जो था ये स्टार्टिंग कैसे हुई, ईसा पूर्व चौथी सदी में ये अपने विश्व विजय के अभियान पर ये यूनानी जो है निकल पड़े थे, इसमें इनका सबसे पहले संघर्ष जो है वो ईरानियों से हुआ है, और ईरानियों से जब संघर्ष हुआ तो ईरानियों से इनको जानकारी मिली, वहीं इनके कुछ जो थे इतिहासकार भी थे, यानी कि इन लोगों के इतिहासकार भी साथ चला करते थे, उस समय ये लोग बहुत ज्यादा समृद्ध लोग थे, यानी कि इनका लेखन शैली वगैरह भी ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी थी, तो इतिहासकार भी इनके साथ में चला करते थे, तो इनके एक इतिहासकार थे हेरोडोटस, जो कि वर्तमान में इतिहास के पिता बोले जाते हैं हेरोडोटस, ठीक है। तो हेरोडोटस ने तमाम यूनानी लेखों में भारत की अपार संपत्ति का जिक्र किया, जिसकी वजह से सिकंदर जो था वो इसे पढ़कर भारत की ओर ललचाया, यानी उसे लगा कि भारत में बाकी में इतना जब लेखकों ने लिखा है, हमारे यहाँ के लेखकों ने लिखा है, तो बाकी में वहां पर संपत्ति होगी, यही कारण था कि वो भारत की ओर खिंचा चला आया, ठीक है। तो अब आप पहला पॉइंट यहां पर नोट करेंगे, पहला पॉइंट अब आप नोट करेंगे, ईसा पूर्व चौथी सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए यूनानियों और ईरानियों के बीच संघर्ष हुए, जिसमें सिकंदर ने ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला पॉइंट, ईसा पूर्व चौथी सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए यूनानियों और ईरानियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें सिकंदर ने ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। सेकेंड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना हेरोडोटस पे, ठीक है। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति के देश के रूप में किया था। सेकेंड का सब पॉइंट, इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित हुआ, यानी इसी वर्णन को से पढ़कर वो प्रेरित हुआ था। सेकंड का सब पॉइंट है ये, इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, इसमें लिखेंगे, देखिए पश्चिमोत्तर भारत में दो शासक सुविख्यात थे, तो आप लिखेंगे पश्चिमोत्तर भारत के शासकों में दो सुविख्यात थे, यानी दो शासक कौन कौन थे पश्चिमोत्तर भारत के शासकों में। पहला तक्षशिला का राजा आम्भी, ठीक है। तीसरे का सेकंड सब पॉइंट है, दूसरा पोरस, जिसका राज्य झेलम और चिनाब के बीच पड़ता था, दूसरा था पोरस, ठीक है। तो इस तरह से पश्चिमोत्तर भारत के शासकों में दो सुविख्यात शासक थे, कौन कौन से थे, आम्भी और पोरस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट नोट करेंगे, ईरान पर विजय पा लेने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा, जहां से खैबर दर्रा पार करते हुए वह 326 ईसा पूर्व में भारत आया,
देखिए ये डेट फिक्स है, क्योंकि ये डेट फिक्स क्यों है, क्योंकि ये उस समय पश्चिमोत्तर भारत के कुछ लेख मिलते हैं, ईरानी अभिलेख मिलते हैं और यूनानी जो इतिहास के अभिलेख मिलते हैं उनमें ये स्पष्ट लिखी हुई है, इसलिए ये डेट फिक्स है, यानी इसमें संशय नहीं है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आप इंपॉर्टेंट लिख देना इसे आगे। ईरान पर विजय पा लेने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा, जहां से खैबर दर्रा पार करते हुए वह 326 ईसा पूर्व में भारत आया। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंपॉर्टेंट डेट वगैरह हो, इंपॉर्टेंट नाम वगैरह हो, उन्हें विभिन्न रंगों के पेनों से लिख लिया करें, अलग अलग रंगों के पेनों से लिख लिया करें। ठीक है, पांचवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे। देखिए सिंधु नदी को पार करने में, सिंधु नदी तक पहुंचने में उसे 5 महीने लगे। पांचवा पॉइंट यही है, सिंधु नदी तक पहुंचने में उसे 5 महीने लगे। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। अगला पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, छठा पॉइंट, तक्षशिला के शासक आम्बी ने आक्रमणकारी के सामने तुरंत घुटने टेक दिए। एक तक्षशिला के शासक ने तुरंत घुटने टेक दिए उसकी विशाल सेना देखकर। छठा पॉइंट यही है, तक्षशिला के शासक आम्बी ने आक्रमणकारी के सामने तुरंत घुटने टेक दिए। सातवां पॉइंट है, झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। यानी कि झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। सातवें का सब पॉइंट नोट करेंगे। देखिए इसमें सिकंदर हार, यानी कि इसमें पोरस हार गया, लेकिन उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य पोरस को उसी को लौटा दिया और उसे पोरस को अपना सहयोगी बना लिया था यहां पर। ठीक है, तो इसी में अब आप नोट, साथ में का सब पॉइंट नोट करेंगे। सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, मगर उस भारतीय राजा की बहादुरी और साहस और उस भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर उसने उसका राज्य उसे लौटा दिया तथा पोरस को अपना सहयोगी बना लिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, मगर उस भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर उसने उसका राज्य लौटा दिया तथा पोरस को अपना सहयोगी बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट है सातवां पॉइंट लिख लिया था, आठवां पॉइंट है, देखिए यूनानी सैनिक मैंने बताया था वो लड़ते लड़ते थक गए थे और बीमारियों से भी ग्रसित हो गए थे। ठीक है, आठवां पॉइंट आप यही नोट कर लीजिए, यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए थे और बीमारियों से उन्हें धर दबाया था। अब आठवें का सब पॉइंट यहां पर नोट कर लेना, एक सब पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं। देखिए उन्हें खबर थी कि गंगा के किनारे एक भारी शक्ति है, उन्हें खबर थी कि गंगा के किनारे एक भारी शक्ति है, इस वजह से वे आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुए। यानी कि उन्हें खबर सुराग मिल गया था कि गंगा के किनारे एक बहुत बड़ी शक्ति है जिससे हम नहीं लड़ सकते हैं, इसके पास विशाल सेना है, बहुत ज्यादा हाथी हैं और हाथी वगैरह हम लोगों के पास तो है ही नहीं, तो इस वजह से उनका और मनोबल टूटता चला गया। ठीक है, आठवें का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा, उन्हें खबर थी गंगा के किनारे एक भारी शक्ति है, इस वजह से वे आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुए। अगला पॉइंट नोट करेंगे आप, नवा पॉइंट है, मगध पर नंद वंश का शासन था और उसकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं बड़ी थी। मगध पर नंद वंश का शासन था और उसकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं बड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दसवां पॉइंट है आपका, दसवां, वह भारत में लगभग 19 महीने यानी 326 से 325 ईसा पूर्व रहा, जिसके दौरान वह हमेशा लड़ाई में ही लगा रहा। यानी सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने तक रहा और इस दौरान वह हमेशा लड़ाई में ही लगा रहा। अब देखिए एक बात तो स्पष्ट निकल के आती है कि सिकंदर का उद्देश्य कोई राज्य को जीतना था सिर्फ, यानी उसे अपना केवल नाम ही करना था, भाई हमने उस राजा को हराया, ना ही उसका उद्देश्य प्रशासन चलाने का था, ना ही उसका उद्देश्य वहां पर आसीन होकर वहां की सत्ता को हड़प कर वहां पर भोग विलास करना था, यानी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था उसका, बस एक ही था कि भाई हमें लड़ लड़के सबको हराना है और अपना नाम करना है। यानी कि वो इस लड़ाई में इतना मशगूल रहा कि उसे प्रशासन वगैरह से उसकी यानी एक सुव्यवस्थित व्यवस्था करने से कोई मतलब ही नहीं पड़ा, यानी केवल लड़ाई लड़ाई करने में ही मशगूल रहा और यही रीजन था उसकी जो सेना थी उसका मनोबल टूट गया, क्योंकि सेना को भी लगने लगा भाई इनका कोई उद्देश्य ही नहीं है कि हम लड़ क्यों रहे हैं, केवल हराने के लिए लड़ रहे हैं, क्या हमें संपत्ति चाहिए हो तो हम लड़ें, यानी हमें संपत्ति भी चाहिए नहीं, राज्य चलाना नहीं है, फिर हम लड़ ही क्यों रहे हैं। तो इस वजह से भी उसका जो सेना का मनोबल था वो भी डाउन हो गया था।
ठीक है। तो दसवां पॉइंट यही है कि वह भारत में लगभग 19 महीने यानी 326 से 325 ईसा पूर्व रहा, जिसके दौरान वह हमेशा लड़ाई में ही लगा रहा। ठीक है, अब दसवें का पहला सब पॉइंट है, उसे अपने जीते हुए भूभाग को सुव्यवस्थित करने का शायदी अवसर मिला। उसे अपने जीते हुए भूभाग को सुव्यवस्थित करने का शायद ही अवसर मिला। दसवें का सेकंड सब पॉइंट, उसने अधिकांश विजित राज्य उनके शासकों को लौटा दिए जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। दसवें का सेकंड सब पॉइंट यही है, उसने अधिकांश विजित राज्य उनके शासकों को लौटा दिए जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, अब उसने प्रशासन करने के लिए जैसे अंग्रेजों की प्रणाली थी नहीं गवर्नर वाली, वही प्रणाली उसने उस समय भी अप्लाई की। ठीक है, तो दसवें का थर्ड सब पॉइंट, दसवें का थर्ड सब पॉइंट, उसने अपने भूभाग को तीन हिस्सों में बांट दिया। उसने अपने भूभाग को तीन हिस्सों में बांट दिया और तीन यूनानी गवर्नरों यानी स्थानीय शासकों के हाथ सौंप दिया। दसवें का थर्ड सब पॉइंट यही है, यानी उसने अपने भूभाग को तीन हिस्सों में बांट दिया और तीन यूनानी गवर्नरों ब्रैकेट में स्थानीय शासकों के हाथ सौंप दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अगली हेडिंग डालेंगे, सिकंदर के आक्रमण के परिणाम। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम क्या निकले, ठीक है, ये अब हम जानेंगे। यहां पर पहली बात यह थी, सिकंदर का आक्रमण जो हुआ, सिकंदर एक यूरोप से बिलोंग करता था, हम लोग दक्षिण एशिया के पार्ट से थे। ठीक है, तो हमें एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान हुआ हमारा, और ये इस तरह से यूरोप से हम लोग नजदीक आए। तो पहला पॉइंट यही है, आक्रमण ने, सिकंदर के आक्रमण ने प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के निकट संपर्क में आने का अवसर दिया। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, देखिए उसने अपने साम्राज्य में एक नया भारतीय प्रांत जोड़ा जो ईरान द्वारा जीते गए भूभाग से काफी बड़ा था। उसने अपने साम्राज्य में एक नया भारतीय प्रांत जोड़ा जो ईरान द्वारा जीते गए भूभाग से काफी बड़ा था। सेकंड का सब पॉइंट लिख लेना आप यहां, परंतु सेकंड का सब पॉइंट है, यूनानी कब्जे वाला भारतीय भूभाग जल्द ही तत्कालीन मौर्य शासकों के कब्जे में चला गया। परंतु यूनानी कब्जे वाला भारतीय भूभाग जल्दी ही तत्कालीन मौर्य शासकों के कब्जे में चला गया। अब देखिए उस समय जो सिकंदर का अभियान था, इससे चार भिन्न भिन्न स्थल मार्ग और जलमार्गों के द्वार यहां पर खुल गए। तो थर्ड पॉइंट अब आप नोट कर लेना, सिकंदर के अभियान से चार भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जलमार्गों के द्वार खुले। ठीक है, अब इसी में सब पॉइंट, थर्ड पॉइंट का सब पॉइंट, इसी में सब पॉइंट लिखेंगे, इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ और व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। तीसरे का सब पॉइंट यही है, इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ और व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। चौथा पॉइंट अब आप नोट करेंगे यहां पर, चौथा पॉइंट नोट करेंगे यहां, आक्रमण के फलस्वरूप इस इलाके में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। यानी कौन से, भारत के पश्चिमोत्तर इलाके में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे, पहला सब पॉइंट, चौथे का पहला सब पॉइंट है, काबुल क्षेत्र में सिकंदरिया शहर। चौथे का पहला सब पॉइंट है, काबुल क्षेत्र में सिकंदरिया शहर। चौथे का सेकेंड सब पॉइंट है, झेलम के तट पर बुके फॉल। चौथे का थर्ड सब पॉइंट है यहां पर, सिंध में सिकंदरिया। अब देखिए नोट डाल के एक बात यहां पर लिख लेना नीचे, कि आपको पता होगा मैंने अभी बताया था कि इनके शासन के तुरंत बाद मौर्य शासन ने अभी इस क्षेत्र को तुरंत अपने कब्जे में कर लिया। तो क्या ये औपनिवेशिक क्षेत्र था, क्या इसे भी हटा दिया, तो यह भी जानना पड़ेगा। देखिए मौर्य शासकों ने, नोट में अब आप लिखेंगे, मौर्य शासकों ने इन क्षेत्रों को जीत लिया परंतु इन उपनिवेशों का सफाया नहीं किया। नोट में लिख लेना आप कि मौर्य शासकों ने इन क्षेत्रों को जीत लिया परंतु इन उपनिवेशों का सफाया नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पांचवी हेडिंग है, पांचवा पॉइंट है आपका, देखिए सिकंदर के इतिहासकार जो आपको पता है हेरोडोटस, यानी सिकंदर के इतिहासकार, उन्होंने कोई संशय वाला इतिहास नहीं लिखा, सबने प्रामाणिक लिखा है वहां पर।
उसने उसके इतिहास से हमें उस समय के भारत की तत्कालीन दशाओं के बारे में मालूम पड़ता है कि भारत की प्राचीनतम दशाएं किस तरह की रही हैं। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, सिकंदर के इतिहासकार हमें उस समय, यानी सिकंदर के इतिहासकार हमें उस समय के भारत की सामाजिक और आर्थिक हालत के बारे में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिकंदर के इतिहासकार हमें उस समय के भारत की सामाजिक और आर्थिक हालत की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जैसे अब इसमें सब पॉइंट करके लिखेंगे, जैसे पांचवें का सब पॉइंट, जैसे सती प्रथा कौमा गरीब मां बाप द्वारा अपनी लड़कियों को बेचना, सती प्रथा कौमा गरीब मां बाप द्वारा अपनी लड़कियों को बेचने, और पश्चिमोत्तर भारत के उत्तम नस्ल वाले बैलों के बारे में बतलाते हैं। यानी कि इतिहासकार जो हैं उस समय के भारत के सती प्रथा और उत्तम गरीब माँ बाप द्वारा अपनी लड़कियों को बेचने और पश्चिमोत्तर भारत के उत्तम नस्ल वाले बैलों के बारे में बतलाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें जानकारी यहाँ पर हमें मिलती है ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण से। ठीक है, तो चलिए ये था आज का आपका चैप्टर, और आई होप आपने यहाँ पर दो चैप्टर कवर किए हैं। मैं देखिए कोशिश मेरी ये है कि अब हमने आज यहाँ तक हमने लगभग आपका 50% बुक जो है पूरी कंप्लीट कर ली है यहाँ पर, यानी कि आपने 50% एंसाइंट हिस्ट्री पढ़ ली। अब बाद बाकी 50% मैं आशा कर रहा हूँ कि आने वाले 10 से 12 दिनों में वो भी मैं ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल तभी हो सका जब आप लोगों ने अपना भी अमूर्त योगदान दिया, अपना भी अमूल्य यहाँ पे योगदान दे रहे हैं, और मैं तो दे ही रहा हूँ आप लोगों को। बस गुजारिश ये रहती है मेरी आप लोगों से कि अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि नोट्स बनाएं या ना बनाएं, देखिए समय ना गंवाएं। आप लोग जो समय गंवा रहे हैं कि हम कहीं से हमें PDF मिल जाएगी या कहीं से हमें कुछ और जादू हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। PDF आपको गूगल पर आप सर्च करेंगे तो 360 PDF गूगल पर मिल जाएंगी, लेकिन उनसे पढ़ाई नहीं होने वाली। उनसे आप UPSC एग्जाम, स्टेट PCS एग्जाम कभी नहीं निकालने वाले। छोटे मोटे एग्जाम तो निकाल सकते हो उनसे, लेकिन कभी UPSC नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उनका एक कहां से चला है, क्या पैटर्न है, बस उन्होंने अपने हिसाब से सबने लिख दिया है। तो ये PDF के चक्कर मत भागिए, आपके पास अभी भी समय है प्रॉपर वे में। अगर आप डेली, अब तो वीडियो इतना वीडियो आ गई है कि अगर आप मेरी वीडियो लगभग दिन में 2 या 3 वीडियो देखें तो भी आपके लगभग 1 से 1.5 महीने में आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ लोग नहीं है, अभी भी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, शायद बाद में उन्हें समझ आए। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।